हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा ये, और बुक का नाम क्या है? बुक है हमारी डीके गोयल। चलिए, चैप्टर 3। तो पहले गिवन पार्ट एक बार लिख लेते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। मैं आपको गिवन पार्ट समझा दूं। तो क्वेश्चन कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 3:2। हमारे पास दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई, ये, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपस में? 3:2। नाउ गुडविल अपियर्स इन द बुक एट 60,000। तो गुडविल अपियरिंग इन बुक्स यानी कि ओल्ड गुडविल जो है, जो बुक्स में अपेयर कर रही है तो ओल्ड कहलाएगी, उसकी वैल्यू कितनी है? वो है 60,000 रुपए। ठीक है जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? जेड का एडमिशन हुआ है, जेड का एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में कितने के लिए? फॉर 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड। अब जो टोटल गुडविल है यानी कि जो नई गुडविल है, मैं से टोटल भी लिख दूं, ये टोटल गुडविल है, ठीक है ना, वो कितनी है? वो उन्होंने बताया है इनकी टोटल गुडविल है 2 लाख रुपए। चलिए, ये इनकी टोटल गुडविल हो गई। अब टोटल गुडविल 2 लाख है तो जरा निकाल लें हम लोग जेड शेयर ऑफ गुडविल भी, जेड शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लें। ये वैसे वर्किंग नोट का पार्ट है मेरा। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना बन गया मेरा? ये हो गया 2 लाख का 1/4, 2 लाख इंटू में 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 50,000। तो 50 हमारी गुडविल आ गई जो जेड को लेकर आनी है अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कहता है ये भी देखिए हम लोग। पास जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन हमसे जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। इफ, तो कंडीशन लगा दी उन्होंने, क्या कंडीशन लगाई है? फर्स्ट, इफ जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहला क्या बोला है कि जेड अपने शेयर के लिए गुडविल नहीं लेकर आ पा, नहीं, जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और दूसरे में कहता है जेड ब्रिंग्स इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो दो केस है हमारे पास। पहले केस में उसने क्या कहा है? पहले केस में वो कहता है कि जेड लेकर आ रहा है। दो केसेस बनाने हैं, मैं आपको लिख दूं केसेस भी, केस 1 और केस 2। पहले में वो जो कैश लेकर आ रहा है गुडविल के लिए, नहीं, कैश गुडविल के लिए वो नहीं लेकर आ पा रहा, और दूसरे में कहता है वो कैश लेकर आ पा रहा है किसके लिए? गुडविल के लिए, यानी 50,000 रुपए वो लेकर आ रहा है। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ चलें। मैंने ये वाला पार्ट, 50,000 वाला पार्ट तो आपके लिए यहीं पर निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, गिवन पार्ट में ही। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें क्या करना है? हमें एडजस्टमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब जेड का एडमिशन हुआ है तो उस समय हमें क्या क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें करना है क्या, हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियर है कि उसे 1/4 दिया है और कुछ भी नहीं बताया, तो सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया होगा? एक्स एंड वाई ने अपनी ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में ही सेक्रीफाइस किया है। बट चलिए इस चीज को मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं, मैं इसे लिखवा देता हूं। चलिए, तो हम पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है। चलिए जी, हाँ, तो हमें चाहिए ओल्ड शेयर चाहिए, ठीक है, और हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, ओल्ड किस किस का चाहिए? मुझे चाहिए, सॉरी, मैंने ये ए लिख दिया। हमें एक्स लिखना है, पार्टनर इस बार एक्स वाई जेड है, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 है तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या हो गई? 3/5। और बात करें अगर वाई की, तो वाई की रेशियो हो गई 2/5, और जेड की बात करें तो जेड का शेयर ओल्ड 0 है। ठीक है, अब आगे चले यहां से हम लोग। चलिए, तो एडजस्टमेंट क्या करनी है? हमने जेड को देना है 1/4 शेयर। ठीक है, अगर जेड को हमने 1/4 दे दिया तो मुझे बताओ आप रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर कैसे निकाल लेंगे? 1 - 1/4 यानी कितना आ गया? 3/4 आ गया रिमेनिंग शेयर। चलिए, 3/4 रिमेनिंग शेयर आ गया, तो ये क्या करेंगे ये लोग आपस में? इस 3/4 को अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, एक्स और वाई।
एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, एंड 3/4 को ये भी कितना बांट लेगा, ओल्ड रेशियो यानी 2/5 में। इसे सॉल्व करें, आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारे पास 9/20। यहां पर बात करें तो ये हमारे पास आ गया 6/20। और इसका भी काम करते हैं, इसका हम डिनोमिनेटर, ये न्यू रेशियो आ गई है हमारी, अब इसका भी डिनोमिनेटर हमें 20 लेकर आना है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, ये 5/20 आ गया। चलिए न्यू रेशियो आ गई है हमारे पास, न्यू रेशियो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर न्यू पीएसआर, हमारी न्यू पीएसआर कितनी है बेटा, न्यू पीएसआर आ गई 9:6:5। ये हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर ली। और एक काम करें, साथ साथ ही मैं सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लूं यहीं पर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेता हूं मैं यहीं पर, ठीक है ना, स्पेस बच जाएगा हमारा, यही काम हो जाएगा। तो चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम यही निकाल लें इनकी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग के लिए मुझे एडजस्टमेंट करना है एक, और एडजस्टमेंट क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू लिखना है। चलिए ओल्ड माइनस न्यू लिखेंगे हम लोग, तो ओल्ड हमारे पास है 3/5 एक्स का, और न्यू है एक्स का 9/20। चलिए, और यहां पर वाई का है ओल्ड 2/5 और न्यू है 6/20। अगर जेड की बात करें तो जेड का ओल्ड तो है 0, माइनस करो न्यू, दैट इज 5/20। इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आ गया, यहां पर आ गया 20, और ये कितने गया, 5 कितने से गया, 4 बार, 4 गुना में 3 यानी 12, 12 माइनस 9 तो यानी कितना आ गया, 3/20 आ गया। अच्छा यहां पर आए हम लोग, तो यहां पर कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया फिर से 20, और ये 4 से गया, 4 गुना में 2 8, 8 माइनस 6 यानी कि ये आ गया हमारे पास 2/20, ठीक है। अच्छा अब एक काम कीजिए, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, 0 माइनस 5/20 को हम लिख देंगे 5/20, तो ये नेगेटिव है, जो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गेन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि ये सेक्रीफाइज हैं, सेक्रीफाइज हैं ये, ठीक है, ऐसे ही ये भी हमारे लिए सेक्रीफाइज है। चलिए जी, तो ये दोनों सेक्रीफाइज हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो, जो हमारी है सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आ गई, हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गई है 3:2, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओल्ड रेशियो ही इनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। चलिए ठीक है, तो हमने न्यू रेशियो भी लिख लिया और सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अब जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, केस वन जहां पर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है, और केस टू क्या है, जहां वो गुडविल लेकर आ रहा है। और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि, चलो मैं पहले केस वन लिख देता हूं यहां पर, फिर बातें करता हूं आपसे। केस वन क्या बोला है इन्होंने, जेड कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जेड कैश में नहीं लेकर आ पा रहा गुडविल का शेयर, ठीक है, तो ये वाला केस है, और इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहली जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं हेडिंग, हम क्या कर रहे हैं अब, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो पहली एंट्री तो मुझे करनी है बेटा, ओल्ड गुडविल जो हमारी है उसे राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, तो गुडविल को राइट ऑफ करना है। पार्टनर्स ओल्ड कौन थे, एक्स और वाई है हमारे यहां पर, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, और वाई का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो डेबिट कर देते हैं वाई के कैपिटल को अकाउंट को भी हम, और गुडविल को खत्म कर रहे हैं। गुडविल को खत्म करने के लिए क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कितनी है हमारी बुक्स में अपेयर कर रही हुई क्वेश्चन में, देखिए 60,000 है, जो मैंने आपको गिवन भी लिखवाया है ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 60,000 मैंने आपको लिखवाया है ओल्ड गुडविल, ठीक है, आप अपने आंसर में देख सकते हैं। तो 60,000 को जरा 3 दो में बांटो, यानी 60,000 का एक काम करो आप लोग, 60,000 को 3 दो में कैसे बांटोगे, मतलब 3 दो की रेशियो में बांट दो, ये मैं कैलकुलेशन भी दिखा दी आपको, 3 और 2 में, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 5 से गया 12, 12 3 36,000, और ये कितना आ गया, ये आ गया 12 गुना 2
24,000। तो हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी 36,000 और 24,000 में। ये ऊपर वाला 36,000 लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इश्यू है तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, तो अब इसकी नरेशन भी लिख दूँ मैं। 36,000 समझ में आ रहा है ना, ये 36,000 है। ये लो, मैं दोबारा लिख दूँ इसको, अगर किसी को दिक्कत है। 36,000 लिखा है मैंने ये। चलिए, इसके बाद आते हैं इसकी नरेशन पर। नरेशन लिख लें यहां पर हम लोग, बीइंग गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स रिटन ऑफ, अपेयर इन बुक्स रिटन ऑफ। उसे हमने क्या किया, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है? ये तो आपको क्वेश्चन में बोले या ना बोले करना ही है, ठीक है? चलिए, अब फर्स्ट एंट्री हमने जर्नल एंट्री कर ली, अब हम सेकंड जर्नल एंट्री पर आते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। उसने इस बार क्या कहा है केस वन में, कि वो अपना पैसा जो प्रीमियम का है वो लेकर नहीं आ पा रहा। देखो, इस बार कैपिटल की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और प्रीमियम वो लेकर नहीं आ पा रहा, तो प्रीमियम के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है? हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया है, ठीक है? और ये पैसा कितना है, हमने कैलकुलेट किया था, 2 लाख टोटल गुडविल थी, 50,000 उसका शेयर आ गया, ठीक है? ये वो लेकर नहीं आ पाया, हमने उसके कैपिटल अकाउंट को किया यूज, ठीक है? बीइंग गुडविल प्रीमियम एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड, हमने जेड के कैपिटल अकाउंट से कर लिया। चलिए जी, तो ये हमारी एंट्री नंबर सेकंड हो गई, जहां पर प्रीमियम हमने उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया। अब आते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर। एंट्री नंबर थर्ड में हमने क्या करना है, जो प्रीमियम आया है हमारे पास, ये पार्टनर प्रीमियम लाया है ना, क्यों लाया है, क्योंकि इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है इस प्रीमियम को, तो इस प्रीमियम को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी हमने कैलकुलेट भी किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आई थी, 2:3, तो ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ठीक है ना? अच्छा, आपकी बुक इसे कई बार करंट अकाउंट यूज करती है कैपिटल अकाउंट की जगह, बट हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट का कोई लॉजिक नहीं है। तो 50,000 को जरा हम दोबारा बांट दें 3 दो में, ऊपर हमने 60,000 को बांटा था, हाँ ठीक है, इस बार 50 को बांटे 3 दो में, तो ये आ गया 30,000 और ये आ गया 20,000, 3:2 में बांट दिया। नरेशन क्या लिख देंगे हम लोग, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, नॉट एडजस्टेड, इट शुड बी लाइक गुडविल फॉर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है? ओल्ड पार्टनर्स में आपने गुडविल को बांट दिया, और ओल्ड नहीं सॉरी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको निकाल कर भी दिखाया है। चलिए जी, तो हमारा ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नंबर केस नंबर सेकंड पर, जहां पर वो क्या कह रहा है, जेड ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो शेयर है गुडविल उसका, उसके लिए वो कैश लेकर आ रहा है। ये हमारा सेकंड केस है। तो इसमें आप एक चीज देखिएगा बेटा, यहां पर बस एंट्री नंबर, ऑल एंट्रीज आर सेम एज इन केस नंबर 1, एक्सेप्ट बस एक एंट्री है जो चेंज होगी, एक्सेप्ट एंट्री नंबर सेकंड। तो एंट्री नंबर सेकंड बस चेंज हो जाएगी, और उसके लिए हम यहां पर एंट्री सेकंड क्या होगी, मतलब रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसे दोबारा लिख नहीं रहा, बस आप इसमें सारी एंट्रीज कीजिए, सेकंड की जगह पर क्या कर लीजिए, कैश अकाउंट लिख लीजिए बस, क्योंकि यहां पर वो कैश ला रहा है प्रीमियम के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके कैपिटल अकाउंट की जगह वहां पर यहां पर कैश आ गया। अमाउंट कितना है? 50,000, जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। नरेशन क्या आ गई हमारे पास, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड, जेड लेकर आ गया। चलिए ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया है। अब एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो में पॉज करके देखिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन तो एक साथ आ नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे। हाँ जी, तो मैं आप कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल बता दूं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारा जो चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है। YouTube पे हमारा ये चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमें YouTube पर इसी नाम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप YouTube पे जाइए, SR अकाउंटेंसी क्लासेस लिखिए, हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको SR अकाउंटेंसी क्लासेस ही सर्च करना है फेसबुक पर, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मुझे बतानी है वो ये है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब पर तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, वीडियोस के नीचे यूट्यूब पर कमेंट कॉलम आता है, वहां कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को लिख सकते हैं। आपने हमने आपको कोई क्वेश्चन समझाया या कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कॉलम में मुझे लिख दीजिए, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, 9261004x7। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप जो हमारे चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी एक अलर्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कोई नया वीडियो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड एक और बात है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो हमने चैप्टर वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप नॉर्मली हमारे चैनल पर जाएंगे तो सारे वीडियोस किसी रैंडम ऑर्डर में है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है वीडियोस का। हो सकता है 11th के बाद 12th के वीडियोस मिल रहे हो, मिक्स्ड मिलेगा। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए। सपोज आपको 11th का चैप्टर 1 देखना है तो चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए ताकि आपको सारे वीडियोस एक ऑर्डर में मिले। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आपको, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आता है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, इससे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरीके से आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए असेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आगे चलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं आप लोगों से।